हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जो है विलयन अर्थात सॉल्यूशन। चैप्टर वन है क्लास ट्वेल्थ के केमिस्ट्री का। आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिसका एग्जाम में आना फिक्स होता है। वो कौन कौन से टॉपिक हैं? तो पहला हम पढ़ेंगे कि मोलरता किसे कहते हैं, दूसरा मोललता किसे कहते हैं, और तीसरा मोल प्रभाज किसे कहते हैं। तो ये तीन टॉपिक को आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल मैं बता दूंगा आपको एक बात, आप याद रखेंगे कि ये जो वीडियो है, ठीक है, ये वीडियो इस चैप्टर का वीडियो नंबर 3 है। कितना भैया? वीडियो नंबर 3 है इस चैप्टर का, ठीक है। इससे पहले के हमने दो चैप्टर इस वीडियो को, मतलब इस चैप्टर के दो हमने क्या किया है, दो वीडियो पहले ही पर्सनली हमने बना दिया है, ठीक है। इसका दो वीडियो यदि आपने नहीं देखा इस चैप्टर का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इस वीडियो को देखने के पश्चात वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अब आते हैं, देखिए एक और बात आप याद रखेंगे, देखिए मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आपको इसी वीडियो में याद कराऊंगा, न कि आपको यह रटवाऊंगा। समझ कर याद करते हैं, क्या दिक्कत है। मेरा तो यही ट्रिक है कि मैं आपको समझा कर याद कराता हूं। देखिए मोललता, तो सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि मोललता कहते किसे हैं, ठीक है जी। हम सबसे पहले तो यही समझेंगे कि मोललता कैसे कहते किसे हैं। तो मोलरता को समझने के लिए सिंपल सा हमें तीन चीज़ों का जानना आवश्यक है। वो क्या है? तो वो है, जैसे हमें ये बात जानना होगा, मैं थोड़ा सा साइड में बता दे रहा हूँ, कि विलयन क्या होता है, ठीक है। तो आपको पता है विलयन क्या होता है, ये हमने बताया था। अब विलयन बनाने के लिए दो चीज़ें का होना आवश्यक है, एक है विलायक और एक और चाहिए विलय। यदि ये दो चीज़ें हैं तो आप आसानी तरीके से विलयन बना सकते हैं। विलयन बनाने के लिए हमें दो घटक चाहिए, विलय और विलायक, ठीक है। आप कहेंगे सर विलयन क्या है, विलय क्या है, विलायक क्या है, ये सभी इस चैप्टर के पहले वीडियो में हमने कराया हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा सा हमें फिर भी आसान करने के लिए समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि आपको शरबत बनाना हो, ठीक है, मान लेते हैं कि आपको शरबत बनाना हो, तो शरबत बनाने के लिए, रस बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो आपको पानी लेना होगा, और दूसरा आपको दूसरी चीज़ क्या चाहिए इम्पॉर्टेंट, जो है चीनी चाहिए, या हम कह सकते हैं शक्कर चाहिए। तो देखिए जो शरबत है ना, वो एक हम कह सकते हैं विलयन है, पानी क्या है एक विलायक है, अब विलय क्या है जो है चीनी। तो इतनी बात समझ के, शरबत बनाने के लिए जैसे हमें पानी और चीनी की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से विलयन बनाने के लिए हमें विलायक और विलय की आवश्यकता होती है। डिटेल में जानने के लिए इस चैप्टर का पहला वीडियो है, उसको लेक्चर को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। फिलहाल इतने से आपको काम चल जाएगा, ठीक है, इससे निश्चिंत रहना है, फिलहाल आपका इतने से काम चल जाने वाला है। तो आप कहेंगे सर परिभाषा बताइए ना कि मोलरता का परिभाषा क्या होता है, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। परिभाषा की जहाँ तक बात है डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें केवल यही बात बताया गया कि किसी विलयन के एक लीटर आयतन में उपस्थित, किसी विलयन के एक लीटर आयतन में उपस्थित, ये एक विलयन है, तो कोई भी विलयन हो, तो किसी विलयन के एक लीटर आयतन में उपस्थित जो विलय है, तो विलय की मोलों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। समझ में आ गया? क्या हमने कहा, किसी विलयन के एक लीटर आयतन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या मोलरता कहलाता है।
तो मैं आशा करता हूं कि आपको परिभाषा रटना नहीं पड़ा होगा, समझ कर याद करना है। देखिए कितना आसानी तरीके से हमने आज से बताया, हमने परिभाषा लिखवाया नहीं लिखवाया भैया, हम तो आपको समझा रहे हैं और समझा कर यहीं से याद करना है आपको। देखिए हम क्या कह रहे हैं, एक बार और सुनिएगा समझिएगा, और यदि आप अपने से आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो थोड़ा सा लिखने का भी प्रयास कीजिएगा। तो आप कहेंगे किसी विलयन के एक लीटर आयतन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या मोलरता कहलाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फिलहाल मैं परिभाषा को लिखवा दे रहा हूं, ठीक है, ये तो कहेंगे परिभाषा हम नहीं लिखवा रहे हैं। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित किसी विलयन के सॉरी किसी विलयन में उपस्थित नहीं लिखेंगे हम, किसी विलयन के एक लीटर, किसी विलयन के ऐसे लिखेंगे किसी विलयन के एक लीटर आयतन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे परिभाषा हमने लिख लिया है किसी विलयन के एक लीटर आयतन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या मोलरता कहलाता है। अब वही बात हमने यहाँ से कहा भी, यहाँ से भी वही बात कहा है कि किसी विलयन के एक लीटर आयतन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या मोलरता कहलाता है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर दूं, ठीक है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए हैं, मोलरता का परिभाषा आपने समझ लिया। जहाँ तक बात है इसका फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला आप जान लीजिए। देखिए मोलरता का फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मोलरता इक्वल टू होता है विलय का मोल बटे विलयन का आयतन। विलय का मोल बटे विलयन का आयतन, वो भी लीटर में। तो ये बात आप याद रखेंगे कि ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है जी। तो ये हमने क्या देखा, मोलरता इक्वल टू विलय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में, ये इसका मोलरता का फॉर्मूला है। जहां तक बात आता है, एक और बात आप याद रखेंगे कि देखिए विलय का ये जो मोल दिखाई दे रहा है, तो मोल का भी हम फॉर्मूला जानते हैं, मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है, ठीक है। तो ये बात हम जानते हैं कि मोल बराबर भार बटे अणुभार होता है। तो ये बात आप याद रखेंगे कि यहाँ पे जो मोल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम भार बटे अणुभार भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को हम चेंज करके इस ये भी फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। अब वो क्या लिख सकते हैं कि मतलब मोलरता m हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, तो m मतलब क्या है, मोलरता है, ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं m मतलब मोलरता। तो मोलरता इक्वल टू हम लिख सकते हैं, देखिए विलय के जो मोल है, तो मोल बराबर भार बटे अणु है, अणुभार है, तो वही बात हम लिखेंगे कि विलय का
भार बटे बटे याद रखेंगे बिले का ही, बिले का भार लिख दिया तो फिर से बिले का ही अणु भार हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, बिले का अणु भार। और उसके बाद गुणे क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन। तो ये बात आप याद रखेंगे कि विलयन, विलयन का, विलयन की आयतन है और वो भी किस में, लीटर में। ये आपको दिखाई दे रहा होगा साइड में, नहीं दिखाई दे रहा हो तो सुने तो है कि गुड़े विलयन का आयतन लीटर में लिखा गया है। मैं एक बार चेक कर लूं, ठीक है, मैं एक बार चेक ही कर लेता हूं, ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको। तो इसको मैं अगर चाहूं तो, अगर आप ध्यान से समझें तो इसको भी मैं एक कॉलम में इसको बंद कर दे रहा हूं, ठीक। तो ये देखिए मोलरता का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। मोलरता किसी विलयन के एक लीटर आयतन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या मोलरता कहलाता है। मोलरता इज इक्वल टू विलेय का मोल बटे विलयन का आयतन, और मोल बराबर भार बटे अणु भार होता है। इस फॉर्मूले को केवल हमने यहाँ पे ले जाकर इस मोल के जगह पर पुटअप किया है तो ये भी हमें एक फॉर्मूला मिल गया। ये दोनों फार्मूला हमने इसलिए बताया जिससे आपको न्यूमेरिकल में परेशानी ना हो, समझ के आगे बढ़ते हैं। अब आता है मोलरता, मोलरता किसे कहते हैं, तो मोलरता भी समझिएगा, हमने अभी आपको बताया, अब ध्यान से समझेंगे। अभी हमने आपको क्या बताया कि विलयन बनाने के लिए हमें दो घटक का होना आवश्यक है, दो चीजें चाहिए, एक है विलायक और एक चाहिए विलेय, यह हमने बताया था। विलायक विलयन माने शरबत जैसे, विलायक मतलब पानी और चीनी, पानी और चीनी ये दोनों आपस में मिलते हैं तो शरबत बन जाएगा, विलयन बन जाएगा, ये बात हमने बताया है। तो यहाँ पे केवल हमें यही कहा जाता है ना कि किसी जो ये विलायक दिखा रहा है तो किसी विलायक के एक केजी, किसी विलायक के एक किलोग्राम में उपस्थित जो विलेय है तो विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की जो संख्या होता है इस संख्या को ही हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। बात समझ में आ रहा है, तो हम क्या कह रहे हैं, मोलरता किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे क्या, आप परिभाषा कहेंगे, आप कहेंगे कि किसी विलायक के एक किलोग्राम में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या मोलरता कहलाता है। बताइए इतनी बात तो कह सकते हैं ना, हम किस दूसरे जगह से बोल रहे हैं, हम यही से बोल रहे हैं कि किसी विलायक के एक किलोग्राम में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या मोलरता कहलाता है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी, आसानी से समझ में आ जा रहा होगा। तो मेरा यही लक्ष्य है कि आप सभी को रटना ना पड़े, समझ कर याद करें, और समझ कर याद हो भी रहा होगा। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी क्या करें, आप सभी यहीं से समझकर याद भी करने का प्रयास करें। देखिए इसका मैं परिभाषा लिख दे रहा हूं, तो मोलरता का परिभाषा क्या लिखेंगे, किसी विलायक के एक केजी में उपस्थित, एक केजी मतलब एक किलोग्राम में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या क्या कहलाता है, मोलरता कहलाता है। तो हम लिख देंगे मोलरता कहलाता या कहलाती है, ठीक है जी। सिंपल सा है, किसी विलायक के एक किलोग्राम में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या मोलरता कहलाता है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। जहां तक बात है इसकी फॉर्मूले की तो ध्यान से समझेंगे। देखिए मोलरता इज इक्वल टू होता है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि मोलरता, मोलरता इज इक्वल टू होता है विलेय का भार बटे
विलायक का भार, मोललता इक्वल टू होता है विलय का भार बटे विलायक का भार। याद रखेंगे कि जो विलय का भार होगा वो किस में होगा, ग्राम में, और विलायक का जो भार होगा वो किस में होगा, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ठीक है, क्या मिस्टेक हुआ है ये आप समझ लीजिए। देखिए फॉर्मूले लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। देखिए मोललता इक्वल टू होता है विलेय के मोल होता है, विलेय का मोल, विलेय का मोल होता है और बटे विलायक का भार होता है। अब विलायक का भार किस में होगा, किलोग्राम में होगा। तो ये इसका फॉर्मूला होता है कि मोललता इक्वल टू विलेय के मोल, मोल मतलब विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, वो भी किस में, किलोग्राम में होनी चाहिए। तो ये इसका फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले को आप, सॉरी, इस फॉर्मूले को आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है, याद रख लेंगे। तो ये पहला इसका फॉर्मूला है। दूसरा देखिए, दूसरा एक और फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है। तो ये बताइए विलेय का मोल दिया है, तो विलेय के मोल के जगह पर हम लिख सकते हैं कि विलेय का भार बटे अणुभार। तो इसी फॉर्मूले को हम चेंज करके ये भी लिख सकते हैं कि मोललता इक्वल टू विलेय का मोल, विलेय का मोल बटे विलेय का मोल बटे सॉरी ना मिस्टेक हो जा रहा है ना कि क्या कहें। देखिए विलेय का हम मोल को ना चेंज कर रहे हैं भार बटे अणुभार में, तो विलेय का भार लिखेंगे ना, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणे विलयन का, सॉरी विलायक का भार, और वो भी किस में, तो किलोग्राम में। तो ये दूसरा आपका फॉर्मूला है, ठीक है, विलेय के मोल के जगह पर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार लिख दिया है, और नीचे है विलायक का भार, तो विलायक का भार केजी में हमने लिख दिया है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है जो कि हमने इस रूप में चेंज कर दिया है। समझ में आपको दो चीजें आ गई कि मोललता किसे कहते हैं, मोललता किसे कहते हैं। देखिए एक चीज मैं बताना आपको भूल रहा हूं, देखिए इसका मात्रक जो कि आपसे बार बार पूछ लिया जाता है, तो ये बात आप याद रखेंगे कि जो ये है कि मोललता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। तो ये बात आप याद रखेंगे कि मोललता का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है, और मोललता का जो मात्रक होता है, मात्रक होता है वो होता है मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम मतलब केजी होता है। तो ये दो चीजें आपको याद रखना है, परिभाषा, फॉर्मूला, उसके बाद मात्रक, ये तीन चीजें आप याद रखेंगे, आपका काम हो गया। अंतिम आते हैं मोल प्रभाज पर कि मोल प्रभाज किसे कहते हैं। तो देखिए आप ध्यान से अगर समझेंगे तो देखिए जो मोल प्रभाज है ये भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, बट क्या है, थोड़ा सा मोल प्रभाज इन दोनों के अपेक्षा टॉप पड़ता है, तो समझेंगे याद हो जाएगा। देखिए बात यह है कि मान लेते हैं एक विलयन है, ठीक है, मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप भी समझने का प्रयास कीजिएगा। विलयन बनाने के लिए अभी हमने बताया कि विलायक प्लस विलेय का होना आवश्यक है, ये दो चीजें हमने कहा ना कि विलयन बनाने के लिए विलायक और विलेय का होना आवश्यक है। मतलब विलयन के दो घटक हैं, एक है विलेय एक है विलायक, मतलब एक है विलायक एक है विलेय, है ना। तो ये बताइए
कि ये जो पहला घटक है जो है विलायक, तो विलायक के भी कुछ कोई ना कोई मोलों की संख्या होगी, कुछ ना कुछ मोलों की संख्या होगा और कुछ ना कुछ विलेय के भी मोलों की संख्या होंगे। बताइए होगा कि नहीं होगा। एक घटक है जो मान लेते हैं एक घटक है जो है विलायक, तो विलायक के भी कुछ ना कुछ मोलों की संख्या होगा और विलेय के भी मोलों की संख्या होगा। यदि हम विलेय के मतलब विलायक के मोलों की संख्या और विलेय की मोलों की संख्या दोनों को ऐड कर देते हैं तो हम कह सकते हैं ना कि कुल मोलों की संख्या, कुल मोल लिखें या कुल मोलों की संख्या लिखें, बात एक ही है। मतलब कुल मोलों की संख्या कहें या हम विलयन के मोलों की संख्या कहें, दोनों बात तो एक ही है। बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि विलेय और विलायक दोनों के मोलों की संख्या को जोड़ेंगे तो विलयन के मोलों की संख्या होगा और उसी को हम कुल मोल कह रहे हैं। तो यहाँ पे केवल वैज्ञानिकों ने हमें यही बताया कि किसी भी कोई भी विलयन है तो किसी विलयन के किसी विलयन में उपस्थित, मान लेते हैं ये एक विलयन है तो किसी विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का, चाहे ये घटक हो चाहे ये घटक हो, तो किसी विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का मूल प्रभाज, मान लेते हैं इसका मूल प्रभाज हमें ज्ञात करना है विलायक का, तो इसका हम मूल प्रभाज यदि हमें ज्ञात करना है, मूल प्रभाज या मूल अंश भी हम कहते हैं मूल प्रभाज को ही, ठीक है, मूल प्रभाज मतलब मूल अंश, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात बताया गया कि किसी विलयन में उपस्थित किसी भी इन दोनों में से किसी भी विलेय का मतलब किसी भी घटक का मूल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं मूल प्रभाज कहते हैं। एक बार में यदि समझ में ना आए कोई दिक्कत नहीं है, सब्र रखिएगा, याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, थोड़ा सा आप फॉर्मूले पे ही ध्यान देंगे तो आसानी से आपको क्या हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। देखिए मोलरता मोल प्रभास मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मोल प्रभास इसकल टू बोला गया, ठीक है, यहाँ पे मूल प्रभाज बोला जा रहा है। तो मान लेते हैं कि इस विलयन में दो घटक है, एक विलायक है एक विलेय है, तो हम कह दें आपसे कि बताइए विलायक का मूल प्रभाज क्या है, विलायक का मूल प्रभाज, तो यहाँ पर हम लिखेंगे विलायक का, विलायक मतलब विलायक का मूल प्रभाज। तो देखिए यहाँ पे यही बात बताया गया कि यदि हम विलायक का मूल प्रभाज ज्ञात कर रहे हैं तो विलायक के मूलों की संख्या ऊपर लेंगे, तो ऊपर हम ले लेते हैं विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या बटे क्या हो जाएगा, विलयन, या हम विलयन देखिए कुल मोलों की संख्या लिखे या विलयन के मोलों की संख्या लिखे, बात एक ही है। तो विलयन की मोलों की संख्या, ठीक है, तो ये आपका हो गया। यहाँ पर ये एक फॉर्मूला है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है, मैं अदर कुछ नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा बस केवल आप याद रखिएगा, अदर कोई रास्ता नहीं है। देखिए ये एक फॉर्मूला हमने बताया है कि वैज्ञानिकों ने हमें ये बताया कि कोई भी विलयन है उसमें दो ही घटक होते हैं, एक होता है विलायक एक होता है विलेय। तो मान लेते हैं विलायक का हमें मोल प्रभाज ज्ञात करना है तो विलायक के मोल की संख्या ऊपर लेंगे और बटे विलयन के मोल की संख्या नीचे लेंगे, तो ये इसका फॉर्मूला है। परिभाषा क्या होगा वो भी हम अंत में आपको डिस्कस कर लेंगे। मान लेते हैं विलायक का, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमें विलायक का मूल प्रभाज चाहिए, तो विलायक का मोलों की संख्या ऊपर लिया है। इसी प्रकार कोई कह दे कि विलेय का हमें मूल प्रभाज ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, तो हम यही करेंगे, सॉरी दूसरा कलर ले लेते हैं, तो हम जानते हैं क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, तब हम लिखेंगे विलेय का मूल प्रभाज,
तो विलेय का मोल प्रभाज इक्वल टू क्या लेंगे, देखिए विलायक का मोल प्रभाज लिए थे तो विलायक के मोलों की संख्या ऊपर लिए थे, तो इसमें विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात कर रहे हैं, इसका मतलब विलेय की मोलों की संख्या ऊपर ले लेंगे और उसके जस्ट नीचे हम क्या ले लेंगे, उसके जस्ट नीचे हम ले लेंगे विलयन की मोलों की संख्या। तो ये आपका हो गया। ठीक है जी, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया कि विलयन का मोल प्रभाज इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या। तो इससे आपको अभी तक क्या समझ में आया, परिभाषा याद नहीं हुआ? अरे भैया यही कहना है आपको। आप कहेंगे कि मान लेते हैं, आप कहेंगे क्या कि किसी विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का मूल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या, ठीक है, देख रहे हैं, किसी भी विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का, चाहे विलेय हो चाहे विलायक हो, ठीक है, मतलब चाहे विलायक हो या विलेय हो, तो यही बात कहा जा रहा है कि किसी विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का मूल प्रभाज उसी घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या, कुल मतलब विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को मूल प्रभाज कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? वही बात हम कह रहे हैं कि किसी विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का मूल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को मूल प्रभाज कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये परिभाषा आप लिख सकते हैं, जो कि हमने अभी फॉर्मूले सब कुछ अभी हमने बताया भी है, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, या फिर आप कहेंगे कि सर लिखवाए नहीं आप, तो मैं लिख भी दे रहा हूं, ठीक है, आप यही लिखेंगे किसी, देखिए ये बात आप लिखेंगे किसी विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का मूल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, मूल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, बात आपको समझ में आ गया। परिभाषा हमने लिख दिया है कि किसी विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को, रेशियो को, हम क्या कहते हैं, अनुपात को ही मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, तो ये दो इसके फॉर्मूले हो गए। जहाँ तक बात है इसके मोल प्रभाज का मात्रक का, तो इसकी कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि ये जो तीन टॉपिक हैं ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। देखिए थोड़ा सा समय लगता है मेरे में, क्योंकि मैं पहले समझाने पे फोकस करता हूँ, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, उसके बाद मैं परिभाषा फिर से लिखवाता भी हूँ, इसलिए थोड़ा सा समय लग जाता है। बट समय का क्या करना है, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको समझ में आया या नहीं, आपने यहाँ पे समय दिया तो आपको समझ में आया या नहीं आया, ये इम्पॉर्टेंट है। अब मैं आशा करता हूँ कि जो भी स्टूडेंट सीरियस होकर अभी तक वीडियो देख रहे हैं उनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा।
मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है और हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तब जाकर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लीजिएगा, जिससे आपको आगे जो भी नोटिफिकेशन चाहिए, जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो नोट्स के लिए कह रहे थे, तो यदि आप नोट्स लेना चाहते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का, तो याद रखेंगे कि अगर आप केमिस्ट्री का केवल लेना चाहते हैं, अपने 10 चैप्टर टोटल आपके चैप्टर हैं तो उन सभी का लेना चाहते हैं, तो आपको ओनली 99 रुपये में मिल जाएगा। साइड में आपको फोटो दिखाई दे रहा होगा। और यदि आप ओनली फिजिक्स का लेना चाहते हैं तो वो भी आपको 99 में ही मिलेगा। परंतु यदि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का एक साथ लेते हैं तो आपको 149 रुपये में आपको मिल जाएगा। नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर देंगे, आपको तुरंत वहाँ पे पेमेंट करने का ऑप्शन बताया जाएगा। वहाँ पे पेमेंट करने के बाद आपको तुरंत PDF नोट्स व्हाट्सएप पे ही सेंड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से आप अपने अच्छे तरीके से नोट्स लेकर पढ़ाई भी कर सकते हैं। अदरवाइज नोट्स केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है जो आगे कुछ करना चाहते हैं, अदरवाइज नहीं तो पर्याप्त है आपके लिए। जो यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा है वो आपके लिए पर्याप्त है, ठीक है, ठीक है। तो इतना बात आप समझ गए हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है।